देवकी वसुदेव के यहाँ जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तब भगवान जो स्वयं परमात्मा है, पार ब्रह्म है, भगवान का भी जब जन्म हुआ है उससे पूर्व भगवान ने योग माया को कहा कि अपनी सारी माया को बिखेर दो, किसी एक को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा जन्म हुआ है। जिस समय में भगवान का प्रकट्य हुआ केवल तीन ही प्राणी जाग रहे हैं, देवकी वसुदेव चूंकि माता पिता हैं उनका जागना तो जरूरी है, और तीसरे प्राणी है चंद्रदेव। तो चंद्रमा जी और वसुदेव देवकी केवल मात्र इन तीन को पता लगा या फिर प्रकृति को, उसके अलावा और किसी को पता नहीं। कंस ने जिसके लिए इतना सब प्रबंध किया कि जब वो जन्म लेगा तो तुरंत मैं पहुंच जाऊंगा, उस कंस से अपने आप को छिपाते हुए भगवान जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो रुदन तो करता ही है ना, रोता है वो। तो ठाकुर जी रोए नहीं, ठाकुर जी रोए तो नंद भवन में जाकर के बताया, वहां पर भी रोए नहीं है, वहां पर भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आनंद कंद कृपा बिहारी प्रकट हुए हैं। तो ठाकुर जी का जन्म हुआ, प्रकट्य हुआ, सब आनंद मना रहे। कंस को ये बात पता नहीं, वसुदेव जी टोकरी में पधरा करके अपने बाल गोपाल को नंद भवन की ओर लेकर जाते हैं। नंद भवन की ओर जाते हुए मार्ग में यमुना मैया के दर्शन प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा तूफान का समय था, यमुना में बहुत तूफान है, स्तर अधिक है, वसुदेव जी के द्वारा उसे पार करना बहुत ही दुष्कर लग रहा था। लेकिन यमुना जी क्यों इस प्रकार से उद्वेलित हो रही थी, इसके पीछे रहस्य है कि यमुना मैया भी चाहती थी कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं। अब चूंकि वसुदेव जी ने तो बाल कन्हैया लाल को अपनी टोकरी में पधराया है, मस्तक पर रखा है, तो उनको मैं कैसे देख पाऊं, उनका दर्शन मैं कैसे करूं। सो यमुना मैया उछल उछल कर आती हैं कि कैसे दर्शन तो मिले, मार्ग नहीं देती हैं। तब वसुदेव जी ने कहा कि इस प्रकार तो मैं कभी भी यहां से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो यमुना देवी से प्रार्थना की है, यमुना जी हे देवी मुझे थोड़ा सा स्थान दीजिए। यमुना मैया ने कहा मैं अवश्य स्थान दूंगी, लेकिन एक बार मुझे इनके चरणों को स्पर्श कर लेने दीजिए, मन के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहती हूँ। जैसे ही वसुदेव जी ने थोड़ा सा झुक करके टोकरी को नीचे किया, यमुना जी ने अपने जल के स्पर्श से ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श करके प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनका वरदहस्त प्राप्त किया। इस पर भी जब यमुना जी की भावना पूरी नहीं होती तो कुछ ऐसी लीला करती है वह भी कि थोड़ी देर के लिए नंद नंदन छोटे से वह बाल लला यमुना जी में प्रवेश करते हैं। यमुना मैया स्वयं अपनी भुजाओं में उनको लेकर के लहरा रही है कि आज तो मेरा अहो भाग्य कि ठाकुर जी भगवान स्वयं मेरे आंगन में पधारे हैं, मुझे तो ये अवसर मिला है। खूब देर तक झूमती हैं, आनंद लेती हैं। थोड़ी देर में भगवान ने कहा कि देखो मुझे वापस लौटा दो, पिताजी को भी बड़ा कष्ट हो रहा है और मुझे आगे भी बढ़ना है, कितनी देर तक मैं यहाँ पर रहूंगा। तब यमुना मैया ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु मैं भी तो आपके दर्शनों की अभिलाषी हूँ, मुझे दर्शन करने का अधिकार है, और जब तक आप मुझे ये विश्वास नहीं दिला देते कि मैं पुनः आपके दर्शनों को प्राप्त करूं तब तक मैं आपको वापस नहीं लौटाऊंगी। आप बहुत सी लीलाएं करोगे अब ब्रजमंडल में रह करके, लेकिन कुछ दर्शनों का लाभ मुझे भी तो प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पर नहीं आ सकती, आप स्वयं चल करके आना ताकि मैं भी वो दर्शन कर पाऊं। तब जब तक भगवान ने कहा नहीं तब तक यमुना मैया जी मानी नहीं। तब भगवान ने कहा चिंता ना करें, मेरी सभी लीलाओं का दर्शन शायद नहीं हो, लेकिन कुछ लीलाओं का दर्शन जरूर होगा, मैं स्वयं आपके निकट आऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तब यमुना जी
ठाकुर जी को पुनः वसुदेव जी की गोद में पहुंचाती हैं और केवल इतना ही नहीं अपनी लहरों को एक ओर करके वसुदेव जी को स्थान दिया, मार्ग दिया। अब वसुदेव जी उसे पार करके नंद भवन की ओर बढ़ते हैं। नंद भवन, नंद गांव, सभी ब्रजवासी जहां पर वह भी निद्रा तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए निद्रा भी दो प्रकार की है। एक निद्रा जिसमें हम बिल्कुल ही विश्राम अवस्था में जाते हैं, अपने इंद्रियों को सुप्त अवस्था में ले जाते हैं, अपने मन को सुप्त अवस्था में ले जाते हैं। और एक होती है योग निद्रा जिसमें भगवान श्री हरि सदैव निवास करते हैं। एक होती है समाधि स्थिति जिसमें आप और हम सोए हुए जान पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आंख बंद है कि सो रहे हैं, सो नहीं रहे, अंदर से जगे हुए हैं। वो सभी ब्रजवासी सोते हुए से तो जान पड़ते थे, लेकिन सभी अंदर से जगे हुए थे। यहाँ पर एक बात बताई गई कि नंद बाबा जी अपने शैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन उनके अंतर में एक यात्रा चल रही है। जिन भगवान का आगमन उनके घर में हो रहा है, उससे पहले उनका आगमन नंद बाबा के हृदय में हो रहा है। नंद बाबा अपने अंतर मन में उनकी झांकी कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि मेरे घर आंगन में एक छोटा सा बालक आने वाला है, जो अपने छोटे छोटे कदमों से यहाँ वहाँ इधर उधर विचरण करेगा, अपनी सुंदर लीलाओं से सबको मदमोहित करेगा, आनंद देगा। ऐसा छोटा सा बाल कुमार मेरे घर आंगन में आने वाला है, उसकी झांकी नंद बाबा को हो रही है। ऐसे ही सभी ब्रजवासी इसी ख्यालों में खोए हुए हैं, और ये तो विश्राम करना भी नहीं चाहते थे। शांडिल्य मुनि जो वहाँ के गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा सभी से एक साधना कराई गई, क्योंकि नंद बाबा वहाँ के मुखिया हैं, राजा हैं, और नंद जी की अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। तब सभी ब्रजवासियों ने अपने राजा नंद के लिए ये कठोर साधना की कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, आपको संतान की प्राप्ति हो, इसके लिए हम सब मिलकर के आपके लिए तप करेंगे, साधना करेंगे, जो शांडिल्य मुनि हमें आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। तब ब्रजवासियों ने जो भी उनको बताया जाता कि आज ये व्रत है, ये व्रत करो और इसका सारा पुण्य नंद बाबा और यशोदा जी को प्रदान कर दो। आज ये साधना करनी है, आज ये भजन करना है, आज ये मंत्र जाप करना है, जो उनके लिए उचित थी वो कार्य उनसे कराया गया। और जिस दिवस में ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा था, उस दिन भी सभी ब्रजवासी बैठ करके भगवान को पुकार रहे थे कि आप कब आओगे प्रभु। और जब भगवान के आने का समय हुआ, तब भगवान ने ही शांडिल्य मुनि जी को अंतर से संकेत दिया कि जब तक ये अपने अपने घर में नहीं जाएंगे, जब तक ये विश्राम नहीं करेंगे, तब तक मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे छिप करके आना है। अब लीला ऐसी है, माया ऐसी है भगवान की, किसी को बताना नहीं है। सो शांडिल्य मुनि के अंदर संकेत दिया कि आप सबको भेजिए, सब अपने अपने घर जाएं, विश्राम करें, तभी तो मैं पहुँच पाऊंगा। तब शांडिल्य मुनि ने सबको कहा कि आप सभी ब्रजवासी अपने अपने घर जाओ और घर बैठ करके अपने अंतर मन से भगवान को पुकार लगाओ। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में पहुंच गए और वहीं बैठ करके योग निद्रा का सहारा लेकर के समाधिस्थ अवस्था में भगवान को पुकारते हैं। सो वही भगवान उन ब्रजवासियों के सन्मुख प्रकट होते हैं। रात्रि का समय, कोई भी किसी का दर्शन नहीं। वसुदेव जी बाल गोपाल को लेकर के उस नंद भवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ यशोदा मैया शैया पर विश्राम कर रही हैं। उनकी सेवा में सुनंदा बुआ आई है। उनको पता है कि अब कुछ ही दिन निकट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो मुझे उनकी सेवा में उपस्थित रहना है। सुनंदा भी बार बार देखने के लिए आती रही, लेकिन वो समय जिस समय भगवान का आगमन हुआ, सभी विश्राम अवस्था में पहुँच गए। तभी यशोदा जी के माध्यम से योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या बिल्कुल यशोदा जी के निकट है, यशोदा जी को इस बात का भान नहीं। वसुदेव जी भी आए और जैसा कि उनको आदेश हुआ, ठाकुर जी ने पहले ही कहा कि मुझे वहां पर आप छोड़कर आ जाना और उस कन्या को अपने साथ लेकर के आना।
वसुदेव जी ने आज्ञा अनुसार कार्य किया, अपने बाल गोपाल को यशोदा जी के निकट ठहराया और उनकी कन्या को अपने साथ लेकर के वापस आए। तो आइए वसुदेव जी जब कन्या को वापस लेकर के आए, ये कन्या कौन है? भागवत कहती है कि ये कन्या है योग माया, माने माया। भगवान के पास दो शक्ति है, एक माया है और एक भक्ति है। जो भगवान से माया मांगते तो भगवान उसको फटाफट से माया पकड़ा देते कि तू माया पकड़ और मेरा पीछा छोड़, क्योंकि तुझे तो माया से ही लेना देना, तुझे मुझसे तो कोई लेना देना नहीं, सो तू माया ही पकड़। भगवान इन दो शक्तियों का प्रयोग करते हैं, एक शक्ति आपको नचाती है और एक शक्ति भगवान को नचाती है। वो माया है, जिस माया के पीछे आप दौड़ लगाते हो, वो माया आपको जैसे नचाती है आप वैसे नाचते जाते हो। तो भगवान को ये लगता है कि ये माया के पीछे जाने वाले जीव हैं, तो वो आपको माया पकड़ा देते कि ठीक है आप माया में रहो। लेकिन जो माया से हट करके भगवान को पाने की भावना लेकर के जाते हैं, उनको भगवान भक्ति देते हैं और उन्हीं भक्ति के भाव में भक्त भगवान को नचाते हैं कि आज हम आपको नचाएंगे, सदा से आप ही हमको नचाते रहते हैं, सदा से आप ही हमको नचाते हो, हम आपको नचाएंगे। तब भगवान योग माया का आसरा लेकर के, सहारा लेकर के लीला करते हैं। योग माया रूपी वो कन्या का जब कंस के कारागार में प्रवेश हुआ तो देखिए माया का जो विवरण आया है, माया का स्वभाव क्या है। भगवान का स्वभाव तो आपने सुन लिया, कैसा है भगवान का स्वभाव? बोले वह चुपचाप से आते हैं, आपके अंतर में आकर के बैठ जाते, बताते भी नहीं, और बड़े ही चुपचाप से वह निकल भी जाते हैं, पता नहीं लगने देते भक्त को कि मैं कब तेरे अंतर से निकल गया। लेकिन माया का स्वभाव है शोर मचाना, माया का स्वभाव है पता लगे कि मैं आ गई। तो माया ने जैसे ही प्रवेश किया उस कन्या ने कंस के कारागार में, सो उसने अपनी माया बिखेरी, रुदन करके अपने आप की सूचना दी कि मैं आ चुकी हूँ, कंस के पहरेदार जगे, और केवल रुदन मात्र को सुन करके ही कंस के पास दौड़ गए कि तुम्हारा भय काल उत्पन्न हो गया, अब तुम देखो क्या करना है। कंस तो भयभीत था ही अपने इस काल से, क्योंकि अभी मैं इसका अंत कर दूंगा तो मेरे लिए उचित रहेगा, इस घड़ी को मैं गंवाना नहीं चाहता। तो कंस उसी समय भागता हुआ आया, देवकी वसुदेव से कहा बताओ कहाँ है मेरा काल। तो कथा ये कहते कि कंस ने उस कन्या को भी नहीं छोड़ा, लेकर के गए जहाँ पर अन्य बालकों की हत्या की, लेकिन वो साधारण कन्या नहीं, वह तो आदिशक्ति जगदम्बा माता थी। कंस के हाथों में जब आई, कंस ने जैसे ही उसे भूमि पर छोड़ा, तुरंत ही उस कन्या ने दिव्य रूप धारण किया, अष्टभुजाओं को धारण करके, आदिशक्ति जगदम्बा का रूप धारण करके उन्होंने कंस को ये सबसे बड़ा भाव कहा, किं मया हत्या मन्द जातः कलु त्वात् कृतः, यत्र क्वं वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसि कृपणान् वृथा। अरे दुष्ट, अरे मंदबुद्धि कंस, तू मुझे क्या मारेगा? वैसे तो मुझे भगवान ने जो शक्ति दी है उस शक्ति के अनुसार तो मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूँ, लेकिन मैं योग माया हूँ, भगवान की आज्ञा से चलती हूँ, जितना उनका आदेश था मैंने उतना ही किया। तुम जिनको मारने के लिए इतना सब प्रबंध कर रहे हो, वह तो कहीं और पहुंच चुका है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारा कार्य है, तुम क्या करो। आदिशक्ति जगदम्बा वहां से अपने दिशा की ओर चली गई, और इधर कंस अभी विचार करता है कि अब मेरे काल ने कहां जन्म ले लिया। तो कंस विचार करे, ये उसका कार्य है, ये आपका कार्य नहीं, आपको तो पता ही है ना भगवान कहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? नंद भवन में। नंद भवन में यशोदा जी के बगल में छोटे से बाल गोपाल अपने सुंदर स्वरूप से सबको मदमोहित करने वाले, अभी कोई देखने वाला तो है नहीं, सो फिर भी अपनी छटा को बिखेर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, सुनंदा देखने के लिए आई
कि देखो तो सही। तब आकर के देखा तो बगल में छोटा सा बाल गोपाल नजर आया। सुनंदा ने कहा ये कब हुआ कैसे हुआ तो पता नहीं लगा, लेकिन पहले सबसे जाकर के नंद बाबा को मैं इसकी सूचना तो दूं। सुनंद बाबा को जाकर के सूचना देती है कि बाबा आओ, भैया आओ, देखो यशोदा के बगल में कोई बालक है, बालिका है, कौन है, ये तो जाकर के देखना होगा। सो सुंदर संतान की प्राप्ति हुई है। सुनंदा ने स्वयं जाकर के ही जब देखा और बताया और बाहर आकर के यही एक शोर हो गया, एक ध्वनि, एक गूंज हो गई कि नंद घर आनंद भयो है, नंद घर लाला भयो है। और कहते हैं ये सारा स्वर ब्रजमंडल में गूंज गया। जिसके भी घर से जहां से भी गुजरो एक ही शब्द, एक ही भाव, नंद घर आनंद भयो है, नंद घर लाला भयो है। गोपियां ग्वाले सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। नंद बाबा बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आज मेरे विधाता ने प्रार्थना सुन ली। जब जब गोपियां ग्वाले सब उनके सामने आते, नंद बाबा कहते ये सब तुम्हारी कृपा से है। देखो संसार में हमें सब कुछ सबके सहयोग से मिलता है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, हर कार्य में हमें बहुतों का सहयोग मिलता है। और नहीं भी मिलता हो तो भी आप सदैव ये याद रखो कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, सबके सहयोग से ही मैं कर सकता हूँ। और जब मैंने किसी का सहयोग लिया है तो आप उसका शुक्रिया जरूर किया करो। आप सदैव ये भावना रखा करो कि सबके सहयोग से मेरा कार्य सफल हुआ तो मैं सबको शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहले नंद बाबा ब्रजवासियों को धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारी सबकी तपस्या के फल स्वरूप मुझे आज संतान की प्राप्ति हुई, नहीं तो मेरे यहाँ तो संतान हो ही नहीं रही थी। तुम सबने मेरे लिए जो साधना की, तपस्या की और अपने पुण्य का फल मुझे प्रदान किया, सो आज मैं इस आनंद को प्राप्त कर पाया हूँ। तो इस पर मेरा अधिकार नहीं, इस पर तो तुम सबका अधिकार है। तुम सभी आकर के आनंद मनाओ। तो सबको आनंद मनाने का अवसर मिल रहा है। सब गोपी ग्वाल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और आनंद को मनाने का तरीका क्या है ये ब्रजवासियों ने हमें बताया है। सबसे पहले तो आनंद को प्रकट करने वाले जो देवकी वसुदेव हैं, देखो वो भी आनंद नहीं मना पाए। आनंद मनाया तो नंद बाबा ने, क्योंकि नंद बाबा के विषय में यहाँ पर बताया गया है सर्व जनान नंदयति इति नंदः, जो सबको आनंद देने वाले हैं वही नंद बाबा है। आप भी नंद बाबा का भाव जीवन में प्रकट करें तो आपके घर में भी आनंद ही प्रकट होगा। दूसरी तरफ है यशोदा, यशः ददाति, यशोदा मैया यश देती हैं दूसरों को कि ये आप सबकी कृपा से हुआ, आप सबने मेरे लिए इतना तप किया, अगर ये ना होता तो शायद ही ये मुझ पर कृपा होती। तो यश देती हैं दूसरों को, अपने आप को नहीं देती कि मेरा तो कुछ भी इसमें श्रम नहीं है, सबकी श्रम से मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो वो है यशोदा, यशः ददाति। तो नंद बाबा और यशोदा के भाव से वो आनंद गण परमात्मा उनके यहाँ आए भी सही और उनका वह आनंद मनाया भी गया।